क्यों ना इन लोगों से पूछा जाए, ये जानते हैं क्या कि ये स्टैचू किसका है, कौन है ये? Do you know whose statue is that? मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि इन्हें पता है कि नहीं पता। बच्चे से इसकी मम्मी बोल रही है कि ताशकंद की इस जगह पे लाल बहादुर शास्त्री का मॉन्यूमेंट इसलिए है क्योंकि CIA ने लाल बहादुर शास्त्री को क्यों मारा। तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो अभी मैं हूँ ताशकंद में। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था, मैं बिश्केक से ताशकंद पहुंचा था। ताशकंद जो है उज़्बेकिस्तान की कैपिटल है। आज हम इसको एक्सप्लोर करने वाले हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह मैं अभी घूमने जाने वाला हूँ जिसका हमारे भारत से बहुत तगड़ा कनेक्शन है, और वो है लाल बहादुर शास्त्री का मॉन्यूमेंट। अगर आपको भी सुनकर थोड़ा सा अजीब लग रहा है तो मेरे को भी लग रहा था। अभी मैं वहीं जाने वाला हूँ और फिर मैं आपको वहाँ पे जाके बताऊंगा कि लाल बहादुर शास्त्री का मॉन्यूमेंट ताशकंद में क्यों है, उसके पीछे की कहानी क्या है। अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ सबसे पहले बस स्टैंड की साइड। यहाँ पे ताशकंद में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो आपको काफ़ी चीप मिलेगा। यहाँ पे किसी भी बस को लेते हैं तो आपको ज़्यादा पैसा नहीं देना, केवल और केवल 1400 सोम के आसपास लगते हैं। 1400 सोम लगभग 10 रुपए के आसपास होता है पूरे सेंट्रल एशिया में। अभी तक तो यार मेरा टूकिस बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। ये है यार बस स्टैंड, 58 नंबर की बस जो है वो जाएगी यहाँ से। इसमें ये भी दिखा देता है कि आप देखो कितने स्टॉप के बाद उतरना है। जैसे इसमें लिखा है कि हर 16 मिनट में आती है और 5 स्टॉप के बाद उतरना है। और क्या होगा, 4th स्टॉप के बाद ना मेरे को एक नोटिफिकेशन आ जाएगा टूकिस में कि गेट रेडी टू गेट ऑफ द बस। तो मतलब मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है, मुझे किसी से पूछना नहीं पड़ता। भाई इस बस में भी वही मैंने आपको बताया था ना, 1400 सोम के आसपास हमें देने पड़ेंगे। आगे जाते हैं, 5 स्टॉप के बाद अपना स्टॉप है। और काफ़ी लंबी सी बस है यार, पीछे भी देखो बहुत लंबी बस है। और यार भाई बस से उतर चुका हूँ मैं और अब जा रहा हूँ यहाँ से 650 मीटर मेरे को वॉक करते हुए जाना है। और भाई उस स्ट्रीट से मैं वहाँ से आया और जस्ट एकदम स्ट्रीट के जस्ट सामने ना यहाँ पे मेरे को ये मॉन्यूमेंट दिखाई दिया। आप देख सकते हो लिखा हुआ है इधर सामने लाल बहादुर शास्त्री 1904 से 1966, और ये है मॉन्यूमेंट। और नीचे आप देख सकते हो किसी ने गुलदस्ता भी चढ़ाया हुआ है यहाँ पे, और लाइट्स वगैरह भी लगी हैं दोनों साइड। ये मुझे लगता है रात को जलती होंगी। ताशकंद की इस जगह पे लाल बहादुर शास्त्री का मॉन्यूमेंट इसलिए है क्योंकि उनकी जो मृत्यु हुई थी वो ताशकंद में हुई थी 11 जनवरी 1966 को। 1965 में इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हुई थी, तो उस वॉर के बाद 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जो है वो ताशकंद आए थे एक पीस ट्रीटी को साइन करने के लिए, जिसके तहत इंडिया और पाकिस्तान की वॉर को रोकना था। तो उन्होंने अपने यहाँ पे आके पीस ट्रीटी को साइन किया, और पीस ट्रीटी को साइन करने के कुछ घंटों बाद ही उनकी मौत हो गई। उनकी जो मौत हुई थी यहीं पे पास में एक होटल उज़्बेकिस्तान है, वहाँ पे वो रुके हुए थे और वहाँ पे वो मतलब मरे हुए पाए गए। उसका जो ऑफिशियल रीज़न है जो कि इंडिया में लोगों को बताया गया, जो इंडियन गवर्नमेंट ने लोगों को बताया, वो ये था कि उनकी मृत्यु जो है वो हार्ट अटैक से हुई थी। लेकिन जो उनकी मृत्यु हुई है उसका जो मेन कारण है, आज तक लोग सस्पिशन में हैं कि उनका मेन कारण क्या है, कोई उसकी जाँच नहीं हुई, ऑफिशियल जाँच नहीं हुई पिछले 50 साल में। आप सोचो कि भारत का प्रधानमंत्री मर जाता है और उसकी कोई ऑफिशियल जांच नहीं होती। ये 1966 से लेके आज तक भी ये हाल है। उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी बनने लगी। लाल बहादुर शास्त्री की फैमिली, उनके सपोर्टर्स, बहुत सारे लोग इस बात को मानने से आज भी इनकार करते हैं कि जो उनकी डेथ हुई थी वो हार्ट अटैक से हुई थी। 2013 में एक बुक पब्लिश हुई थी, उस बुक में उस जर्नलिस्ट ने एक CIA के ऑफिसर के साथ अपनी जो बातचीत है उस इंटरव्यू का पार्ट डाला था उन्होंने। जब 1993 में उस जर्नलिस्ट ने एक CIA ऑफिसर का इंटरव्यू लिया था, इनडायरेक्टली उस बंदे ने ये बताया कि CIA ने यानी US ने ही लाल बहादुर शास्त्री को मारा था। अब उसके पीछे के कारण हो सकता है कि ये बात सही है गलत है, बहुत सारे लोग इस चीज़ को सही मानते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो है ना इस इंसिडेंट को लेके इंटरनेट पे हैं। ये केवल स्टैचू ही नहीं है, इस पूरी स्ट्रीट को लाल बहादुर शास्त्री स्ट्रीट यानी शास्त्री स्ट्रीट के नाम से जाना जाता है। इस स्ट्रीट का नाम ही उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर रख दिया है। काफ़ी प्राउड भी फील होता है, काफ़ी अच्छा भी लगता है कि इस तरीके से आज भी रिस्पेक्ट मिली उन्हें एक दूसरी कंट्री में। और दुख भी होता है कि उनकी जो स्टोरी है वो आज भी मतलब थोड़ी सी आज तक क्लियर नहीं हो पाई है। तो यार सवाल ये आता है कि CIA ने लाल बहादुर शास्त्री को क्यों मारा। तो यार देखो कहानी स्टार्ट होती है 1963 में, जब इंडिया ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट किया था। उस समय होमी जहांगीर भाभा जो हमारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, उन्होंने न्यूक्लियर वेपन भारत के लिए डेवलप करने स्टार्ट किए थे। उस समय भारत सोवियत यूनियन का एलाय था और जो पाकिस्तान है वो अमेरिका उसको सपोर्ट करता था। तो अब ऑब्वियसली इस चीज़ को US बिल्कुल पसंद नहीं करता था कि इंडियन न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा है, उनका एटॉमिक एनर्जी वाला जो सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है। इस चक्कर में उन्होंने पहले तो लाल बहादुर शास्त्री की हत्या की, और उसके कुछ समय बाद लगभग उसके 13 दिन बाद ही होमी जहांगीर भाभा जो हमारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे वो भी एक प्लेन क्रैश में मारे गए। और इस इंसिडेंट के बारे में भी उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि जब CIA के डायरेक्टर का वो इंटरव्यू ले रहे थे तो उन्होंने ये भी बताया था कि होमी जहांगीर भाभा का जो प्लेन क्रैश हुआ था उसके पीछे भी CIA का हाथ था, और उसमें भी उनके प्लेन में
जो कार्गो वाला पार्ट होता है उसमें ऑलरेडी बम रखा हुआ था। ये कुछ कहानियां हैं, काफ़ी भारी और काफ़ी इंटेंस कहानियां हैं। इन सबको आज तक कोई वेरीफाई तो नहीं कर पाया, लेकिन जो लिखा हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यार मतलब संजोग भी नहीं हो सकता ना कि इतनी जल्दी जल्दी जो कि मतलब इतने बड़े बड़े लोग मर जाएं, वो भी डायरेक्टली जो न्यूक्लियर प्रोग्राम से रिलेटेड है इंडिया के। ये थोड़ा सा मतलब चौंकाने वाला तो था ही। आप बताओ यार, आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोगों को इस कहानी में सच्चाई लगती है कि नहीं लगती? तो यार अभी बैठे बैठे ना मेरे दिमाग में बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया आया। मैंने कहा कि यहाँ पे जो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं इस पार्क में, जिस पार्क में स्टैचू लगा हुआ है आप देख सकते हो, सामने स्टैचू है और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन लोगों से पूछा जाए कि ये जानते हैं क्या कि ये स्टैचू किसका है, कौन है ये, इस बारे में जो यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं ना उनसे सवाल करते हैं। तो मज़ा आएगा जानने में। आप लोग भी देखो कि यहाँ के लोग एक्चुअल में कितना जानते हैं लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। हेलो, हाय, आई डू अंडरस्टैंड इंग्लिश अ लिटिल बट ओके। आई एम जस्ट मेकिंग ए व्लॉग, आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन। ओके, जस्ट अ सिंपल क्वेश्चन। डू यू नो हु इज स्टैचू इज दैट? नो सॉरी, यू डोंट नो? Did you have curiosity when you saw that? Like who is that? You think? No. Okay. You don't know, right? Okay. Actually, he is the second Prime Minister of India. It's very interesting for me also, because when I came from India, so I saw that. That's why I thought maybe I asked some of the people, local people, do they know about this statue or not? God. Well, I will read about them. Okay. Enjoy. Thank you so much. You too. थैंक यू, यू टू। तो भाई इनको तो नहीं पता था, और आगे भी पूछते हैं लोगों से, और भी काफ़ी लोग मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हेलो, हाय, डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश एनीबडी? लिटिल बिट निम्नोश का, लिटिल बिट, हाँ, आई विल यूज ट्रांसलेटर। हाँ, तुर्क तुर्क इतनी है, तुर्क इतना इंदिस की हिंदुस्तान है। बच्चे से इसकी मम्मी बोल रही है कि तुझे रशियन आती, तूने पढ़ी है तो तू बता। तो बाकी ये सब लोग इस बुक जानते हैं। थैंक यू सो मच रहमत रखमत रखमत इट इज ब्यूटिफुल। थैंक यू। अब यार थोड़ी सी अब बताओ, मैं तो सोच रहा था इनको रशियन वशियन तो आती होगी, बट इन्हें रशियन भी नहीं आती है, उज़्बेक आती है काफ़ी लोगों को, तो ये एक प्रॉब्लम है। और बाकी और भी लोगों से, एक दो लोगों से और पूछने की कोशिश करते हैं। परमाइश इंग्लिश की चिचर पारुस की? हाँ ओके, मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि इन्हें पता है कि नहीं पता। परमाइश लाल बहादुर शास्त्री, यू नो प्राइम मिनिस्टर इंडिया, इमाम अल बुखारी बार समरकंद, समरकंद समरकंद इमाम अल बुखारी, इमाम अल बुखारी यजुवचि पियानो बोगन शायर बोगन बिजन बुंगे सिगनामız bizan bilamız bizni şairlarımızdan yaxşı yaxşı odamlarımızdan şu İmam Al Buhari'lar var. Okay. कुछ लोगों को पता है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये तुर्की के हैं, कुछ लोगों ने बोला कि भाई कुछ लोग जानते थे, जैसे कि आंटी जानती थी कि लाल बहादुर शास्त्री है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। अब थोड़ी लैंग्वेज डिफ़िकल्टी है, अगर यहीं सोचो इंग्लिश बोल रहे होते ना तो ये तो एकदम मस्त, इनसे एक सवाल के बाद सवाल में दाग रहा होता। और यार लाल बहादुर शास्त्री के मॉन्यूमेंट के लगभग 2-3 किलोमीटर में दूर आया हूँ, और यहाँ पर मेरे को वो होटल मिल गया जहाँ पे उनकी डेथ हुई थी। यहाँ पे ये है होटल उज़्बेकिस्तान, आप देख सकते हो सामने, काफ़ी पुराना होटल है ये। ये अपने सोवियत आर्किटेक्चर के लिए काफ़ी जाना जाता है, और यहाँ का सबसे पॉपुलर होटल अगर मैं कहूँ इसको तो गलत नहीं होगा। 4,500 में 4,300 रुपये में booking.com पे प्राइस दिखा रहा था इसका एक नाइट का। ये एक 4-स्टार होटल है, 4-स्टार होटल के हिसाब से ये जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। डेफिनेटली आप इसको चेकआउट कर सकते हो, हमारे लिए बहुत हिस्ट्री से जुड़ी हुई जगह है, क्योंकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी मृत्यु यहाँ पर हुई थी, तो मैंने आपको सोचा कि दिखा देता हूँ यहाँ पर। हेलो भाई, हेलो, व्हाट्स योर नेम ब्रदर? My name is Vince. Vince? Yeah. Daniel. Are you a blogger? Vishal, yeah. Vishal. Where are you from? Blogger from India. Oh my god, I'm from Uzbekistan. Uzbekistan? Yeah. Nice to meet you. Oh, nice to What's meet you. What's your name? My name is Vishal. Nice to meet you. Thank you. So,
इस तरीके से अगर आप आते हैं तो यहाँ पे मतलब घूम सकते हैं, लोग काफ़ी अच्छे हैं, आपको जनरली काफ़ी वार्म एंड वेलकमिंग मिलेंगे। सेंट्रल एशिया में मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। और ये है पैलेस ऑफ इंटरनेशनल फोरम। अब अगर आप सिटी टूर पे आए हैं, ताशकंद में हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत दूर दूर जाना पड़ेगा। जैसे अभी हमने लाल बहादुर शास्त्री का मॉन्यूमेंट देखा, वहाँ से लगभग 2-3 किलोमीटर दूर उज्बेकिस्तान का होटल उज्बेकिस्तान था, उसके जस्ट साइड में ये बिल्डिंग थी जो आपको खूबसूरत सी बिल्डिंग मैंने दिखाई। और यहाँ पे एक क्लॉक टावर टाइप भी बना हुआ है, आप देख सकते हो सामने। ये एक पार्क दिखाई दे रहा है आपको, ये जो पार्क है इसको कहते हैं आमिर तैमूर स्क्वायर पार्क। यहाँ पे मेट्रो भी जो है ना, आप कहीं की भी मेट्रो लोगे केवल 10 रुपये चार्ज है, फ्लैट 10 रुपीज़ एनीवेयर इन बस, फ्लैट 3 रुपीज़ एनीवेयर इन मेट्रो। मुझे लगता है कि इतना आपको सस्ता तो मतलब हमारे इंडिया में भी नहीं है यार। ये सामने आपको स्टैचू दिखाई दे रहा होगा, ये आमिर तैमूर का स्टैचू है, ये जो यहाँ के एक पॉपुलर मिलिट्री कमांडर रहे, हिस्टोरिक फिगर है ये। वो है होटल उज्बेकिस्तान और ये है आमिर तैमूर स्क्वायर पार्क।